इस वक्त कहाँ जा रही हो? कहाँ की तैयारी? तुम्हें पता भी है कि कल तुम्हारी जिंदगी का अहम तरीन दिन है। लड़कियां तो ख्वाब देखती है इस दिन के लिए, और तुम बगैर कहे बगैर पूछे किताबें लेकर बाहर जा रही? हाँ क्यों? मुझे जरूरी काम है एक। ओह अच्छा, जरूरी काम। तो ऐसा करो, जरूरी काम जो है ना वो थोड़े दिनों के लिए मौकूफ। गाड़ी उर्दू बोल देता हूँ मैं ना, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। ये जो जरूरी काम है ना ये थोड़े दिनों के लिए डिलीट कर दो, डिलीट, समझ रही हो? और अपनी फूफी के साथ जाकर शॉपिंग करो। पापा मुझे शॉपिंग नहीं करनी। शॉपिंग पे नहीं जाना? ये ड्रामेबाजी मेरे साथ ना करो, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। और हाँ, दो दिन तक फोन ना करना किसी को। दो दिन के बाद मुबारकबाद लेती रहना मंगनी के लिए कि भाई मंगनी हो गई। बल्कि हम तो खुद बताएंगे, खुद फोन करके बताएंगे। मैं बताऊंगा कि भाई हमारी सभा की बड़ी खैरियत से मंगनी अंजाम पजीर हो गई। प्लीज फूफा, क्या कमरा मिल जाए? और दो दिन तक बाहर मत निकलना, इस कॉरिडोर में भी मत आना, वरना पता है ना क्या करूंगा, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। बड़ों की इज्जत करना सीखो। और हम तो तुमसे वैसे भी प्यार करते हैं, मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो सबा, वरना पुलिस मेरे एक फोन कॉल की दूरी पर है, सारा हवालात में होगी। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा तो सारा सलाखों के पीछे मुझे बचा लो कर रही है, अच्छा लगेगा तुम? पापा आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। करूंगा, बिल्कुल करूंगा, अगर तुमने कॉपरेट नहीं किया। और कॉपरेट यह है भाई कि मंगनी का जोड़ा पहनकर बैठ जाओ, मैं पुलिस को इन्वॉल्व ही नहीं करूंगा, मुझे क्या लेना? पापा आपका केस झूठा है। हाँ हाँ, झूठा हो या सच्चा हो ये तो बहुत बाद में पता चलेगा। कोर्ट कचहरियां आना जाना, धूप में बैठना, जजों के सामने हाथ फैलाना, ये तो बाद में पता चलेगा। पुलिस तो अपना हिसाब किताब कर चुकी होगी ना। फिर आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल कर लो, इसलिए कि तुम भी तो हमें ब्लैकमेल कर रही हो, तुम भी तो हमारे प्यार का नाजायज फायदा उठा रही हो। चंदा जाओ अपने कमरे में जाओ, और दो दिन तक किसी से बात ना करना, और फोन तो बिल्कुल ही ना करना, समझ रही हो ना? नजर रखूंगा मैं तुम पर, आकर देखूंगा। जाओ। बड़ाई को बुलाना पड़ेगा।